नमस्कार दोस्तों, वशीकरण के टोटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टोटका है, किसी स्त्री को अपने वश में करने का महाशक्तिशाली टोटका है। यदि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपना कार्य करवाना चाहते हैं, तो यह छोटा सा उपाय करने से आप किसी भी स्त्री या पुरुष किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, यह इतना पावरफुल वशीकरण होगा कि जिसके ऊपर यह आपने वशीकरण कर दिया तो वह 7 जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ पाएगा। दोस्तों, यह तभी करना जब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो और इस विधि को अच्छे तरीके से जान लें और उसके बावजूद ही यह उपाय टोटका करें। यदि आपने इस उपाय टोटके में किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ दी तो यह उल्टा भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही महाशक्तिशाली टोटका है। यह वशीकरण इतना पावरफुल वशीकरण है कि किसी भी स्त्री या पुरुष के ऊपर आपने यह कर दिया तो वह हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा। उससे आप अपनी मनचाही बात मनवा सकते हैं, अपना कार्य करवा सकते हैं, आप उसको अपने वश में हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा आपको कपूर का लेना होगा और आपको 2 लेनी होगी लौंग। लौंग आपको बिल्कुल साबुत लौंग लेनी होगी कि यह टूटी ना हो, क्योंकि फूल अलग होता है और यह डंडी अलग हो जाती है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ साबुत यह 2 लौंग लेनी है। आपको यह कार्य आप किसी भी दिन, किसी भी बार, किसी भी नक्षत्र के अंदर यह उपाय टोटका कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्रेमिका को अपने वश में करना चाहते हैं या अपने प्रेमी को हमेशा हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं, यदि आपका पति या प्रेमी या प्रेमिका किसी और के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, मान लो आपका प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई थर्ड पर्सन ऐसा आ चुका है, आपका प्रेमी उस लड़की से ज़्यादा बातचीत करने लग गया है और आपसे बिल्कुल कम बातचीत करने लग गया है, तो यह उपाय टोटका आप भी कर सकते हैं और वह स्त्री और आपके दोनों के प्यार के बीच में वह स्त्री हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह टोटका इतना पावरफुल टोटका है। इस टोटके को करने से आप अपने प्रेमी या पति जिसके लिए आप यह उपाय टोटका करेंगे, वह हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपको करना क्या है, 2 आपको फूल वाली लौंग लेनी है और 1 आपको कपूर लेना है। आपको करना क्या है, अपने प्रेमी पति या प्रेमिका जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी आप फोटो लेकर आए। आपको फोटो लेकर आनी होगी, उसको इसी प्रकार से आपको हाथ में लेफ्ट साइड में रखना होगा और उसके ऊपर कपूर रखना है और 1 लौंग रखनी है। आपको इसी प्रकार से आपने उस प्रेमी या पति जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका ध्यान करना है। जैसे ही आप उसका ध्यान करेंगे, 1 फूल वाली लौंग को पकड़कर इस प्रकार से इसको घिसाते हुए अपने प्रेमी या पति जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं इस प्रकार से आपको घिसाना है। जैसे घिसाते जाएंगे इसी प्रकार से आपको कम से कम 101 बार इसको घिसा देना है। जब घिसा देंगे फिर जो दूसरी वाली लौंग होगी उसको इसी प्रकार से घिसाना है और घिसाते समय एक मंत्र का जाप 101 बार करना है। मंत्र है, ओम ह्रीं त्रीं वश करुं करुं स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्र आपको 101 बार बोलना है और इस फूल वाली लौंग को इसी प्रकार से इसको घिसाना है। जब यह कार्य आपका पूरा हो जाएगा तो आपको एक
कच्ची मिट्टी का बर्तन लें, उसके अंदर इसी प्रकार से इसको इस प्रकार से अलग कर देना है। कपूर और लौंग को इसी प्रकार से रखकर इसको जला देना है। जैसे यह जल जाएगा, इसकी जो राख होगी इसी प्रकार से इसके फोटो के अंदर इस प्रकार से डाल दें। जैसे डाल देंगे यह लौंग, साबुत लौंग को इसी के बीच में रख दें और इसी को अपने किसी भी पर्स, बटुए या किसी भी कपड़े के अंदर, अलमारी के अंदर रख दें। जैसे आप यह कार्य कर देंगे तो जिसके लिए यह आपने वशीकरण किया है वह हमेशा हमेशा आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।